अष्टभुजाओं वाली अम्बे जगदम्बे जय काली सुख को देने वाली मैया दुख को हरने वाली हो झोली मेरी भर दे खाली अम्बे काली खपर वाली माँ मनसा मेरी लाज रख दे ओ लाज रख दे मेरे बिगड़े काज कर दे ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे बिगड़े काज कर दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे बिगड़े काज कर दे माँ मनसा मेरी पर्वत लाटा वाली ओढ़ चुनरिया लाली मांग मुरादों वाली मैया कैसी भोली भाली ओ भक्त बजाओ प्यार से ताली जय 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 शेरा वाली मनसा मेरी लाज रख दे ओ लाज रख दे मेरे बिगड़े काज कर दे ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे मुझे क्या दिखाना चाहता है योर ऑनर प्रेमा बाई का मर्डर केस बड़ा सीधा केस है 6 जनवरी दोपहर के 2 और 3 के बीच प्रेमा बाई का कत्ल हुआ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है और 6 जनवरी दोपहर के 2:30 बजे ये आदमी यानी के राजा हाथ में चाकू लिए हुए प्रेमा बाई के कोठे पर जाता हुआ दिखाई दिया था इसका आपके पास कोई सबूत है मिस्टर सक्सेना है मी लॉर्ड कोठे से लगे हुए फूल की दुकान का मालिक और कोठे के सामने पान वाला इसके चश्मदीद गवाह है इन गवाहों के बयान और मुजरिम का पास रिकॉर्ड जो कि चोरी चपाटी से भरपूर है ये साफ पुकार पुकार कर कह रहा है कि खून मुजरिम राजा ही ने किया है योर ऑनर सरकारी वकील मिस्टर सक्सेना अपने कई सालों के तजुर्बे के बाद भी इतनी सी बात भूल गए हैं
कि अगर कोई भी आदमी किसी के कत्ल के इरादे से कहीं जाएगा तो कत्ल के औजार या हथियार अपने हाथ में लेकर लोगों को दिखाता हुआ नहीं जाएगा। इसलिए उस पान वाले और फूल वाले की छूटी गवाही से मिस्टर सक्सेना कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब का मेरे मौकल राजा पर लगाया हुआ दूसरा इल्जाम भी एक दिलचस्प मजाक है। मेरा मौकल राजा चोर जरूर है, मगर चोर होने से खूनी होने का क्या ताल्लुक? अगर है तो मिलॉर्ड, रिश्वत लेने वाला अफसर भी चोर है मगर खूनी तो नहीं है। सीमेंट में रेत मिलाकर इमारत बनाने वाला बिल्डर भी चोर है मगर खूनी तो नहीं है। इनकम टैक्स ना देने वाला भी चोर है मगर खूनी तो नहीं है। मेरा मौकल राजा तो एक छोटा सा चोर है। योर ऑनर, हम यहाँ सोसाइटी का केस लड़ने नहीं आए, बल्कि राजा ने जो खून किया है उसका फैसला सुनना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये आदमी निर्दोष है। इसने प्रेमा बाई का खून नहीं किया, इसलिए मैं इसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि ये साबित करने की कोशिश करूंगी कि प्रेमा बाई का असली खूनी कौन है। I object, Your Honor. Objection overruled. You may proceed. Thank you, Your Honor. मुझे पूरा यकीन है कि प्रेमा बाई का कत्ल नेता अभय सिंह ने किया है या फिर उन्हीं के किसी आदमी ने किया है। इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेता अभय सिंह को समन किया जाए। अगर श्री अभय सिंह को विटनेस बॉक्स में लाना ही है तो इस तरह नहीं लाया जाएगा। पहले अदालत अपनी तसल्ली कर ले कि वकील सफाई का ये इल्जाम बेबुनियाद नहीं, और अगर ये अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर नहीं है तो अदालत समन जारी कर सकती है। अदालत सरकारी वकील के इस ऑब्जेक्शन को सस्टेन करती है। वकील सफाई मुजरिम की जगह किसी और के गुनहगार होने की कोई दूसरी दलील पेश करें। वकील साहब, अरे भिड़ू क्या हो गया, सब भांडा फूट गया। तू उधर खड़े, आप आइए आइए। अबे काम की बात लाओ साहब। मिलॉर्ड, मैं एक ऐसी सरप्राइज विटनेस पेश करने की इजाजत चाहती हूँ जो अदालत को साबित कर देगी कि अभय सिंह खूनी है। इजाजत है, कौन है वो विटनेस? विटनेस है योर ऑनर, ये है मिसेज अभय सिंह। चारी, जान से नहीं मारा था? मैंने तो मार कर दबा भी दिया था बंधु। शाबाश, ये उसका भूत है। ये अभय सिंह के दोनों रूप का चिट्ठा खोल देंगी। अभय सिंह कैसी पार्टी का नेता है और कैसा पति है, ताकत और कुर्सी की लालच में कितने बलात्कार किए हैं। बंधु, खिसक लो यहां से शीघ्रम, नहीं तो इतने जूते पड़ेंगे कि एक बाल सर पर नजर नहीं आएगा। चलो मिलॉर्ड, वो देखिए अभय सिंह के आदमी भागे जा रहे हैं। आड़, आड़, लास। क्या हुआ कर्मचारी? खेल सब उल्टा हो गया, मेरी मानिए तो भाग लीजिए, जल्दी हरी अप हरी अप। चलो जल्दी रुको, अब्दुल का खूनी भागा है। अबे खिसक, अबे खिसक, खिसक, वो साला अब्दुल का कातिल भाग रहा है। खिसक, तुम रिक्शा कैसे चलाने लगे? रिक्शा नहीं चला रहा, अभय सिंह का पीछा कर रहा हूँ। अभय सिंह? हाँ। मैं भी चलती हूँ। जल्दी बैठो। ये कॉकरोच साहब हमारे पीछे ही पड़ गए। महाशय जी चिंता मत कीजिए, कॉकरोच साहब को नहीं काट सकता। सत्य वचन, सत्य वचन। चालक, वाहन की जरा गति तो बढ़ाइए, फास्ट फास्ट।
महाशय जी, दो दो मच्छर तो चिपक ही गए। महाशय जी, मच्छर चारों ओर से आ रहे हैं, अब तो आप श्री अगरबत्ती जला ही नहीं क्या? चालक उड़ा दो सबको। चालक चिंता मत करो, उड़ा दो सबको, उड़ा दो सबको। बोल साले, तूने प्रेम का खून किया, तूने खून क्यों किया? मुझे नहीं मालूम। पिस्तौल बच गया। राजा, राजा बुरहान है सिंह, वो अभय सिंह, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ तुम बचे हो और तुम्हें मैं खत्म करूंगी। और ये आखिरी गोली नेता बनने की उस ख्वाहिश के लिए जो तुम्हारे साथ मर रही है। जो कुत्ते बनकर गली में रहने लायक नहीं थे, इस देश के तख्त पर बैठने का सपना देख रहे थे, थू! आप हमेशा खुश रहना। खुदा दोस्ती को
नजर लग गई। खुदा दोस्ती